टू हेल्थ केयर में बने रहे हैं इस वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स को ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, तो उस टाइम उनको ऐसी कौन सी चीजें लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिल सके। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, आज के टाइम फीमेल्स ज़्यादातर परेशान होती हैं कॉन्स्टिपेशन की तरफ। एब्डोमेन मसल स्पेन रहते हैं, दूसरी समस्या आ जाती है कॉन्स्टिपेशन। मेन होता है लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको ज़्यादातर व्यायाम करना चाहिए और जितना हो वॉक करना चाहिए, और आप जो भी डाइट लेते हैं हेल्दी डाइट होनी चाहिए और उसको थोड़े थोड़े टाइम टू टाइम खाना चाहिए। ऐसा नहीं इनटेक इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाए। आपको 2 आवर्ली में उसको थोड़ा थोड़ा गैप करके खाना चाहिए। एकदम कोई सा बाहर का जंक फूड, कोई सा भी फूड आपको एकदम नहीं खाना। आपको गैप करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है जिससे कि आपके डाइजेशन की सिस्टम सही रहे। आपको खाना जितना हो आपने थोड़ा खाया है उसको थोड़ा वॉक करें। आती है ज़बरदस्त वो कौन से दो नुस्खे हैं जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन से आपको छुटकारा बिल्कुल मिल सकता है। फर्स्ट है कि आप घर में ज़्यादातर ड्राइड फ्रूट रहते हैं, जैसे कि किशमिश के बहुत सारे जहाँ फ़ायदे हैं उसको किन किन चीज़ों में दिया जाता है, वहीं इसको कॉन्स्टिपेशन का एक ज़बरदस्त वरदान है। जैसे कि आप किशमिश का सेवन रात में भिगो के पानी में, मॉर्निंग में उसके पानी का सेवन और आप किशमिश खा सकते हैं। सेकंड वो ज़बरदस्त नुस्खा है कि आप नींबू पानी का सेवन कंटिन्यू करें। फीमेल्स प्रेगनेंसी में खट्टी चीज़ें इन चीज़ों का सेवन तो करती हैं। नींबू में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और डाइजेशन के लिए नींबू बहुत वरदान साबित है, तो आप जितना हो पानी का सेवन के साथ साथ नींबू पानी का सेवन करेंगे तो आपको डिहाइड्रेट की समस्या भी नहीं होगी। अगर इन सब चीज़ों का आप फॉलो करेंगे तो आपको हर दिक्कत से सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हमारे कुछ ऐसे ज़बरदस्त टिप्स यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इन्हें फॉलो करने से आपकी जो लाइफ स्टाइल और आपकी दिनचर्या ठीक हो सकती है।